तो बच्चों आज हम कक्षा 11 में के बच्चों को विषय भूगोल में हम आपको जो है बताने जा रहे हैं, उसमें आप लोग यह आपका यह दूसरा खंड है, इस खंड का नाम है भारत और इसका जो है पर्यावरण है। भारत और पर्यावरण में जो आपको हम बताएंगे कि भारत और भौतिक पर्यावरण जो है दूसरा खंड है, भारत और भौतिक पर्यावरण। इसमें हम आपको भारत की पहला जो अध्याय है आपका, इसमें पहला यह अध्याय है दूसरे खंड का, वह है आपका भारत की स्थिति। भारत की स्थिति में भारत का आकार स्थिति, यानी भारत कितने कितने अक्षांशों के बीच जो है स्थित है, कहां से कहां तक फैला है, इसके बारे में हम जो है आज चर्चा करेंगे कि भारत जो है हमारा कितने डिग्रियों के मध्य जो है स्थित है, उसको हम एक आपको बता रहे हैं। आप हम भारत की जो है स्थिति और विस्तार के संबंध में मैं आपको बता दूं कि भारत की जो स्थिति है देखें, ये भारत आपका हमने बना दिया, अब आप जानते भी हैं कि भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, उस रेखा का नाम है कर्क रेखा। ये कर्क रेखा जो है भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। इसी कर्क रेखा से ऊपर का हिस्सा आपका जो है उत्तर हो जाता है और नीचे के हिस्सा आपका दक्षिण हो जाता है। इस कर्क रेखा का आपका जो है मान होता है 23.5 डिग्री होता है, 23.5 डिग्री होता है। अब हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि स्थिति यानी भारत का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ये उत्तर से उत्तर तक, क्योंकि आप जानते भी हैं कि भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जब उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है तो हम इसका जो है अक्षांश और देशांतर विस्तार, क्योंकि ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं। ये अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो हमेशा जो है भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती है, ये इसको कहते हैं अक्षांश रेखाएं कहते हैं, जो भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती है और ठीक उसी से मिलता जुलता एक देशांतर रेखा होती है, वह होती है जो दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई, ये उत्तरी ध्रुव और यह दक्षिणी ध्रुव, दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई जो है खींची जाती है, इसको कहते हैं देशांतर रेखाएं कहते हैं, इसको हम कहते हैं देशांतर रेखाएं कहते हैं, इसको देशांतर रेखाएं कहते हैं, देशांतर इसको हम कहते हैं अक्षांश, अक्षांश।
कहने का मतलब यह है कि भारत की जो स्थिति है वह 8 डिग्री और 4 मिनट यानी यहाँ से 4 डिग्री और 8 मिनट उत्तरी अक्षांश यह देशांतरी विस्तार हम बता रहे हैं बच्चों, यह देशांतरी विस्तार है और देशांतरी विस्तार जो है उत्तर से उत्तर की ओर होता है, इसमें 8 डिग्री और 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री और 6 मिनट जो है आपका यह उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ यानी उत्तर से उत्तर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री और 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है, यह इसका उत्तर से उत्तर का विस्तार है। फिर हम आपको देशांतरी विस्तार को बताएंगे बच्चों। अब देशांतरी विस्तार क्या है, अब देशांतरी विस्तार को हम यहाँ से ले लेंगे। ये देशांतरी विस्तार जो है आपका, यह देशांतरी विस्तार आपके 68 डिग्री और 7 मिनट कितना 68 डिग्री और 7 मिनट यह 68 डिग्री और 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला है। अब आपको क्लियर हो गया कि भारत हमारा जो है 68 डिग्री और 7 मिनट से लेकर के पूर्वी देशांतर तक 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला आया। तो यह भारत की जो स्थिति है, आपको हम बता दें कि भारत की स्थिति ये रही है। अब जो है आपका एक आता है, भारत आप जानते भी हैं विश्व में दूसरा बड़ा देश है भारत का क्षेत्रफल में, और इसका क्षेत्रफल है वह जो है आपका कह लें कि हम जो है इस तरह से कि भारत का जो आकार की दृष्टि से जो देखा जाता है उसमें जो है आपके तमाम ऐसे जो होते हैं जो आपके वह निश्चित तौर पर जो है देखा जाता है कि इसका जो भूभाग जो होता है यह विस्तार के दृष्टि से देखा जाए भूभाग को तो 2.4 वर्ग में है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि भारत की जो स्थिति आकार, अब हम आपको बता दें भारत का जो आकार है जो ये फैला हुआ है उसको जो है हम आपको पुनः हम जो है बता देना चाहते हैं कि स्थिति जो विस्तार के बाद से यह जम्मू कश्मीर से लेकर के एक कन्याकुमारी है, ये जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो है इसका जो एक तरह से कहिए इसका जो विस्तार है वह है आपका 2933 किलोमीटर
काश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक का इसका विस्तार है 2933 किलोमीटर में यह इसका विस्तार फैला हुआ। अब इसका जो है आपको बता दें इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई जो है इसकी दूरी जो है आपको जो है वह है आपका 3214 किलोमीटर में फैला हुआ है। 2000 में इसका जो है फैला हुआ है। कहने का भाव मेरा यह है कि इसकी जो लंबाई चौड़ाई जो है हमने आपको जो बता दिया, इसके बाद से जो है तो इस जितना जो इसका जो है क्षेत्रफल है और इस क्षेत्रफल में जो है आपका यह पदा हुआ है, इसके बाद से हम कह सकते हैं कि भारत का जो है यह आकार की दृष्टि कहा जाए तो स्थिति की दृष्टि से जो है भारत जो है इतनी दूरी के मध्य अक्षांशों के मध्य जो है भारत क्या हुआ है फैला हुआ है। इसके बाद से जो है तो वही हम बता रहे हैं कि पश्चिम से इसकी जो गणना जो है ये जो की गई है क्योंकि आप जानते भी हैं यह हिस्सा मान लेंगे पश्चिम से पूरब, क्या मान लेंगे पश्चिम से पूरब, पूरब से या पश्चिम तक की जो दूरी है इसकी पूरब से और पश्चिम तक की जो दूरी है वह है आपका क्या 2900, यहां हमने लिख दे रहे हैं आपको 2937 किलोमीटर है इसका पूरब से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम में इसकी जो चौड़ाई है चौड़ाई है वह 2933 किलोमीटर में है। ठीक इसके बाद से इसकी जो लंबाई है वह जो आपके उत्तर से दक्षिण की तरफ उसका है, इसकी जो है उत्तर से दक्षिण है ये जो चौड़ाई है, यह जो चौड़ाई जो है आपका 3214 किलोमीटर ये आपका जो है 14 किलोमीटर जो है ये आपके उत्तर से दक्षिण तक की जो है ये दूरी है। तो आप अब समझ गए किसकी जो लंबाई है वह स्थिति और विस्तार है। इसका क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, कितना है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर इसका जो है क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल में फैला हुआ है। आज भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में हमने बताया। और एक चीज़ हम ये भी बता दें कि भारत का जो मार्ग समय है उसको जो है 82.5 डिग्री अक्षांश जो है माना गया है भारत का मार्ग समय, वह
83 डिग्री जो है भारत का मानक समय है। यही से यह जो 5.5 घंटा का अंतर बताता है। यदि उदाहरण के तौर पर देखा जाए कि मान लो आज इंग्लैंड में क्रिकेट अगर जो है 10 बजे जो हो रहा हो, तो अपने यहाँ भारत में जो है आपके वो 5 घंटा जो है आप अगर उसमें जोड़ देंगे तो हमको ये निकल जाएगा 10, 11, 12, 13, 14, 10, 11, 12, 1, 2 और 3। इसका मतलब क्या कि 3:30 बजे आपके अपने चैनल पर आपका वो क्रिकेट जो है आ जाएगा। तो भारत का मानक समय 83 डिग्री जो है वो माना गया है, क्योंकि यहीं से एक इलाहाबाद से जो खींची गई रेखा जो है यहीं से जो है भारत को जो है पश्चिम और पूर्व की ओर यहाँ से दिखाती है। तो आज हमने आपको ये भारत की स्थिति के बारे में और विस्तार के बारे में हमने आपको जो है यह बताया। और एक चीज़ और हम बता दें आपको कि भारत का जो कुछ इसके पूर्व में पड़ोसी देश है ना, तो ये पश्चिमी देश के पड़ोसी देशों के नाम है। यह अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इसके बाद से आपके जो पूर्व में जो है वह है आपका नेपाल है, चीन है, भूटान है, ये सब देश है इसके पश्चिम में, इसके जो है पड़ोसी देशों का नाम है। इसके बाद से जो है आपके जो है भारत को उपमहाद्वीप जो है की संज्ञा भी दी जाती है, क्योंकि हमारा भारत जो है 3 ओर जल से जो है घिरा हुआ। तो आज हम आपको भारत की स्थिति के बारे में हमने बताया। फिर इस चैप्टर में बस आज जो है इतना ही दिया है जो हमने आपको बता दिया कि आज भारत किस आकार के बारे में भी मैंने बता दिया कि ये कितने कितने क्षेत्रफल में अब फैला हुआ है। तो ये लंबाई और चौड़ाई के बारे में, ये आपका जो है चौड़ाई है जो क्या है पूर्व से पश्चिम तक इसकी जो चौड़ाई है वह मैंने आपको ये बताया कि 2938 है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई, कन्याकुमारी से कुंभ तक इसकी लंबाई 3,214 किलोमीटर है। यहाँ से गुजरात से ले लीजिए या अरुणाचल प्रदेश तक, ये गुजरात का हिस्सा होता है, गुजरात ये अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो आज बस मैं केवल इतना ही बता दे रहा हूँ। अब आपका यह पहला चैप्टर जो है समाप्त हुआ। धन्यवाद।